हिंदुस्तान में गाय को पूजा जाता है, गाय में करोड़ों लोगों की आस्था बसती है, मगर इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसी देश में कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें गाय का मांस यानी बीफ खाना पसंद है, और इसी बीफ को लेकर कई बार लिंचिंग की घटनाएं हुई, कई बार विवाद हुए और कई बार हंगामा हुआ, तो एक बार फिर इसी बीफ पर विवाद गहराया है। जी हां, BHU के दुग्ध विज्ञान के प्रश्न पत्र में बीफ को लेकर कुछ ऐसे सवाल किए गए कि बवाल हो गया। दुनिया भर में गाय एक लाभकारी पशु है, मगर भारत में गाय गंगा की तरह पवित्र माता हो जाती है। लोग पूजते हैं गाय को, मगर एक बार फिर से गाय के नाम पर गदर मची है। देखिए इस प्रश्न पत्र को। ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के खाद्य प्रौद्योगिकी विभाग के दुग्ध विज्ञान का प्रश्न पत्र है। इस प्रश्न पत्र में 3 सवाल पूछे गए हैं। सवालों पर नजर जमाइए। सवाल नंबर 1, बीफ क्या है? सवाल नंबर 2, बीफ का वर्गीकरण करें। सवाल नंबर 3, बीफ को बनाने की विधि क्या है? ये सवाल सामने आए तो छात्रों का एक धड़ा भड़क उठा। छात्रों ने सवाल उठाए कि जिन पंडित मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिन्होंने विश्वविद्यालय समेत अलग अलग जगहों पर गौशालाएं बनवाई, गायों की सुरक्षा को लेकर बनने वाली समितियों के जो अध्यक्ष रहे, जिन्होंने गायों को बचाने के लिए आंदोलन किए, उनके विश्वविद्यालय में ये अनर्थ क्यों हो रहा है? इनको तो पेपर यह बनाना चाहिए कि गौशाला से क्या क्या बच्चों को लाभ हो सकता है, लाभ में दूध दही के विभिन्न प्रकार। इनको ये पूछना चाहिए, अगर आप कोई नया कोर्स चला रहे हैं, बच्चे होटल मैनेजमेंट के विद्यार्थी हैं, तो उनको अधिक से अधिक ये बताए कि उसके उत्पादन कितने हो सकते हैं, उत्पाद क्या क्या बन सकते हैं, न कि आप ये बताए कि गौ से उसके कितने प्रकार के मीट मांस बन सकते हैं। ये बहुत ही विचारशील मामला है। छात्र नाराज हैं और वो आरोप लगा रहे हैं कि विश्वविद्यालय के नए कुलपति जानबूझकर धर्म को आहत कर रहे हैं। कोर्स डिजाइन करके और प्रश्न पूछना कि बीफ और इन सभी विषयों को लेकर नितांत दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं है, ये लगातार जो घटनाक्रम चल रहा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, जो हिंदू और हिंदू संस्कृति विरोधी जो घटनाक्रम लगातार नए कुलपति के आने के बाद चल रहा है, उसी की अगली कड़ी है। इतना ही नहीं, छात्रों ने अपना विरोध विश्वविद्यालय प्रशासन के पास दर्ज करा दिया है। वो मांग कर रहे हैं कि जिन्होंने ऐसा प्रश्न पत्र बनाया उनके खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया जाए और उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। गौशाला विश्वविद्यालय में बनाया है और उसी विश्वविद्यालय में आज बीफ पर क्वेश्चन बनाया जा रहा है, बीफ की पढ़ाई कराई जा रही है, जो कि महामना के मूल्यों के कतई अनुरूप नहीं है। उससे न केवल भावना आम आदमी के हाथ हो रही है, बल्कि हम लोग महामना के मानस पुत्र हैं और हम लोगों के सामने ऐसा कुकृत्य हो रहा है। तो जिन लोगों ने यह काम किया है, जिन लोगों ने गोहत्या को बढ़ावा देने का काम किया, उन लोगों पर आपराधिक षड्यंत्र करने के मुकदमे में उचित कार्रवाई हो और विश्वविद्यालय को तत्काल इन लोगों को बर्खास्त करके एक नजीर पेश करनी चाहिए कि आगे से ऐसे विधर्मी लोग ऐसा कुकृत न करें। छात्रों का एक दल भले ही नाराज है, मगर विश्वविद्यालय जो बात कह रहा है उसे भी समझने की जरूरत है। दरअसल BHU में कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड होटल मैनेजमेंट का एक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। इस कोर्स की शुरुआत इसी साल से हुई है। इस कोर्स में फूड प्रोडक्शन का भी एक पेपर है। इसे पढ़ाने के पीछे का मकसद सुनिए। पेपर का मकसद है कि विद्यार्थियों को भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर देश विदेश के खाद्य पदार्थों के बारे में जानकारी हो। ये जानकारी इसलिए भी जरूरी है कि जब विद्यार्थी अपना कोर्स पूरा करने के बाद नौकरी की तलाश में प्रतिष्ठित संस्थानों में जाएं, तो वो प्रोफेशनल और वोकेशनल जरूरतों के हिसाब से खुद को तैयार समझें। लेकिन सवाल ये है कि बीफ से ही जुड़े सवाल क्यों पूछे गए? क्या ऐसे सवाल या ऐसा पाठ्यक्रम देश में और किसी विश्वविद्यालय में है? जवाब सुनिए। सेमेस्टर परीक्षा में इस पेपर में जो प्रश्न पूछा गया था, वो प्रश्न करिकुलम से पूछा गया था, और ये करिकुलम होटल प्रबंधन में जो देश के प्रतिष्ठित संस्थान हैं, जाने माने संस्थान हैं, उन संस्थानों के पाठ्यक्रम के अनुरूप तैयार किया गया है। इसलिए इस बारे में सेमेस्टर परीक्षा में पूछे गए प्रश्न के बारे में जो एक अनचाही और अनावश्यक कंट्रोवर्सी खड़ी की जा रही है, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। विश्वविद्यालय प्रशासन ऐसी बातें इसलिए कह रहा है क्योंकि इस बात से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि देश में बीफ खाने वाले भी हैं और भारत बीफ का निर्यात भी करता है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि गाय को पूजने वालों की संख्या ज्यादा है। शायद इसीलिए
बीफ पर उनकी भावनाएं ज्वारभाटा हो जाती हैं। रोशन जायसवाल, वाराणसी आज तक।